नमस्कार, आप देख रहे हैं छठ न्यूज लाइव टीवी। 22 जनवरी को श्री राम जन्म भूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है, जिसको लेकर पूरे देश में तैयारियां चल रही हैं। वहीं पर गुना जिले में भी इसकी तैयारियां चल रही हैं। और वहीं आपको बता दें, गुना शहर में भी सांसद केपी यादव आज गुना पहुंचे और उन्होंने घर घर जाकर लोगों से अक्षत चावल देकर आग्रह किया कि 22 जनवरी को दीपावली का त्योहार मनाएं। वहीं लोग इस पूरे कार्यक्रम में लगे हुए हैं और लोगों के घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं। और जो अयोध्या से अक्षत चावल आए हैं, उनको लोगों को भेंट कर उनसे आग्रह कर रहे हैं कि 22 जनवरी को दीपावली का त्योहार मनाएं। अयोध्या से अक्षत आए और 22 तारीख को घर घर दीपावली मनाना है। रजत महासमाज द्वारा माधव सिंधिया पार्क में एक बैठक रखी गई। इस बैठक में संगठन विस्तार एवं जयंती को मनाने की चर्चा की गई। रजत महासमाज की एक बैठक माधव सिंधिया पार्क में आयोजित की गई, जिसमें रजत समाज ने विचार विमर्श किया कि संगठन का विस्तार कैसे किया जाए, साथ ही जयंती की रूपरेखा बनाई गई। साथ ही उन्होंने रजत समाज के महिला पुरुष जो कामकाजी हैं, उनके वेतन बढ़ाने के पर भी विचार विमर्श किया गया। आज गुना जागरूक ग्रुप द्वारा एक खास सूचित ज्ञापन विधायक पन्नालाल को सौंप कर मांग की कि गुना शहर की जो व्याप्त समस्या है, उन पर विचार विमर्श किया जाए, साथ में जो प्रमुख मांग है उन पर विचार किया जाए। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान द्वारा कुछ मांगों का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान नहीं है। उन्हीं मांगों को उन्होंने आज विधायक पन्नालाल के समक्ष रखते हुए कहा है कि गुना शहर को मेडिकल कॉलेज, रिंग रोड जैसी प्रमुख मांगे हैं जो जरूरी हैं। अगर गुना जिला संभाग बनता है तो जरूर विकास की ओर बढ़ेगा। दरअसल आज हमने सात सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन आज माननीय विधायक जी को दिया था, जिसमें हमने सर्वप्रथम इस बात का जिक्र किया है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री 19 सितंबर 2023 को एक जन आशीर्वाद यात्रा लेकर के आए थे। उस समय हमने 5 बिंदुओं पर माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था, जिसमें से 3 मांगों पर मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की थी कि वे चुनाव अगर जीतते हैं और सरकार बनती है तो इन पर काम होगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये था कि मेडिकल कॉलेज गुना में बनेगा, दूसरा महाकाल लोक की तर्ज पर हनुमान लोक गुना में बनाया जाएगा, और तीसरा जो था जिसमें नगर पालिका को नगर निगम बनाया जाएगा। इन 3 मांगों के अलावा हमने बाकी 4 मांगे जोड़ी हैं, जिसमें आपका जो गुजरिया तालाब है, गुजरिया तालाब और कोनिया नदी को विकसित करने की बात हमने कही है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट नगर को लेकर एक लंबे समय से विकसित करने की बात की जा रही है, लेकिन किन कारणों से वो विकसित नहीं हो पा रहा ये समस्या पर है, तो इस मांग को भी हमने दोहराया है। इसके अलावा बस स्टैंड एक बड़ी समस्या है, क्योंकि वर्षों से एक ही जगह पर बस स्टैंड संचालित हो रहा है और अब शहर की आबादी बढ़ गई है। तो हमने ज्ञापन में इस बात का भी जिक्र किया है कि जो बस स्टैंड है ग्वालियर का, बस स्टैंड शांति हेरिटेज के आसपास बनना चाहिए, ताकि ग्वालियर की जो बसें हैं वो उस तरफ ही लौट जाएंगी और जो इंदौर से आने वाले वाहन हैं वो बाईपास होकर निकल जाएंगे। तो दूसरा बस स्टैंड की मांग हमने ये की है कि जो अशोकनगर का बस स्टैंड है वो सिंहवासा तालाब में बन जाए, ताकि शहर में जो बाहरी वाहन दाखिल होते हैं वो दाखिल नहीं होंगे, लिहाजा इससे ट्रैफिक का भी सिस्टम सुधरेगा। और रिंग रोड एक हम लोगों की लंबे समय से मांग चल रही है कि रिंग रोड शहर को विकसित करने के हिसाब से बनना चाहिए, क्योंकि शहर में निश्चित रूप से ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा दबाव रहता है। अगर रिंग रोड बनती है तो शहर के विकास के साथ साथ ट्रैफिक की समस्या भी बहुत हद तक हल। क्या आश्वासन का कहना है कि मैं इस मुद्दे पर मंत्री को ऑलरेडी अवगत करा चुका हूँ, जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी मैं उनको लगातार अवगत करा रहा था, लेकिन आपने जो मांग की है मैं निश्चित रूप से इस मांग को मुख्यमंत्री तक ले जाऊंगा। और हमने ये भी आग्रह किया है कि जब भी विधायक जी भोपाल जाएंगे, राज्यसभा जाएंगे, तो हम भी उनके साथ जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि विधायक जी के नेतृत्व में हमें मुख्यमंत्री से हमारा मिलना अगर